नमस्कार, दोपहर के 1:30 बजे जी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और इस बुलेटिन में आज हम 12,500 फीट की ऊंचाई से आई तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो भारत की रेस्क्यू टीम और हमारे सिस्टम के लिए एक ऊंचा उदाहरण साबित हो सकती है। आप इसे जमीन से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर की गई वो एयर सर्जरी भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से 110 लोगों को दोबारा से जिंदगी मिली। 8 सितंबर को यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक मोबला में चलने वाले केबल कार में 110 लोग फंस गए। फ्रेंच एल्प्स पर्वत श्रृंखला के बीच चलने वाली 5 किलोमीटर लंबी ये केबल कार सर्विस फ्रांस और इटली को जोड़ने का काम करती है। इस केबल कार सर्विस का इस्तेमाल स्थानीय लोग और पर्यटक करते हैं। 8 सितंबर को जब 12 केबल कार 110 यात्रियों और पर्यटकों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही थी, तभी तेज हवाओं की वजह से केबल्स आपस में उलझ गईं और इसके बाद 12,500 फीट की ऊंचाई पर यह सर्विस अचानक से बंद हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे और 12 में से 9 केबल कार्स में यात्री सवार थे, जबकि बाकी की 3 केबल कार्स खाली थी। मॉ ब्लांक पर्वत पर 12,500 फीट की ऊंचाई पर फंसी इन केबल कार्स में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कोरिया के पर्यटक शामिल थे और इन लोगों को बचाने के लिए फौरन एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आधे घंटे में रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। शाम 5:30 बजे तक 65 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया, जबकि 12 लोगों को रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया, लेकिन 33 लोग अब भी इन केबल कार्स में फंसे थे। अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रेस्क्यू करने वाली टीमों ने इन लोगों को अकेले नहीं छोड़ा, बल्कि हर केबल कार में बचाव कर्मी खुद सवार हो गए। इन बचाव कर्मियों के पास कंबल और खाने पीने की चीजें मौजूद थी। नियमों के मुताबिक केबल कार्स में पहले से ही इमरजेंसी ब्लैंकेट और फूड बार मौजूद थे, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग इनका इस्तेमाल कर सकें। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत होने की वजह से रात में ठंड काफी बढ़ गई। वक्त काटने के लिए केबल कार्स में सवार लोगों ने आपस में गेम्स खेलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी ज्यादा ऊंचाई और ठंड की वजह से कई लोग घबराए थे। कोरिया से आए यात्री तो रो भी पड़े, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी और बचाव कर्मी लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। इसके बाद शुक्रवार को सुबह 6:30 पर केबल कार्स में फंसे 33 लोगों को भी सही सलामत बचा लिया गया। केबल कार्स का संचालन करने वाली कंपनी ने गड़बड़ी की जांच भी शुरू कर दी है। कुछ मिनट पहले जो लोग पहाड़ों की तस्वीरें कैमरों में कैद कर रहे थे, कुछ मिनटों के बाद वो लोग खुद पहाड़ों के बीच कैद हो गए। यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक मोबला पर एक हादसा घट चुका था। 110 लोगों की जान 9 केबल कार्स में 12,500 फीट की ऊंचाई पर झूल रही थी। 8 सितंबर को दोपहर 2 बजे तेज हवाओं ने उन केबल्स को आपस में उलझा दिया था, जिनके सहारे ये कार्स पर्यटकों और यात्रियों को इटली से फ्रांस और फ्रांस से इटली पहुंचाया करती थी। हादसे की खबर मिलते ही स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली की बचाव टीमें शेमोनिक्स की तरफ रवाना हो गई। करीब 2:30 बजे हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले इन हेलीकॉप्टर्स को करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया, जिसके बाद इस ऊंचाई से रस्सी के सहारे बचाव कर्मी केबल कार्स के केबिन तक पहुंचे। एक एक कर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। बचाव कार्य दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ था। शाम को 5:30 बजे तक 65 लोगों को 12,500 फीट की ऊंचाई से सही सलामत बचा लिया गया था। ये केबल कार्स 5 किलोमीटर के इलाके में अलग अलग जगह पर अटकी हुई थी। कुछ जमीन के करीब थी तो कुछ बिल्कुल बीच रास्ते में। जमीन के करीब पहुंच चुकी केबल कार से 11 लोगों को रस्सी के सहारे नीचे उतार लिया था, लेकिन 33 लोग अब भी इस ऊंचाई पर फंसे हुए थे। अंधेरा हो चुका था और हेलीकॉप्टर रात में उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इन 33 लोगों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए बचाव कर्मियों ने केबल कार्स में ही इन यात्रियों के साथ रात भर रुकने का फैसला किया। Sono stati portati i soccorritori in alto, poi calati nelle varie cabine lungo il percorso. Dopodiché abbiamo dovuto anche organizzare delle squadre proprio sul ghiacciaio affinché le persone
बचाव कर्मी अपने साथ कंबल, खाने पीने का सामान और जरूरी दवाएं लेकर पहुंचे थे। सर्द रात में 33 पर्यटक और बचाव कर्मी जमीन से करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर सुबह होने का इंतजार करते रहे और फिर सुबह होते ही फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड की टीमों ने दोबारा ऑपरेशन शुरू कर अमेरिका, कोरिया और फ्रांस जैसे देशों के यात्रियों को बचा लिया। Two rescuers stayed with us, and then we did a belay after we decided there was no other way to get down. And thank goodness that they were able to help us down. Scared? No, just tired, wanted to get out of there. Which was really quite an experience. The helicopter rescue failed because the fog moved in. Bathroom? So we had to just wait, and then they decided they could belay us safely to the ground, and we walked up the glacier to the hut. इस इलाके में ये केबल कार सर्विस 1955 से लोगों को मोबलां घाटी की सैर करा रही है। यहाँ पर्वतारोही और पर्यटक यूरोप के सबसे ऊंचे ग्लेशियर के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए पहुँचते हैं। हर साल करीब 5,00,000 लोग इन केबल कार्स की सवारी करते हैं। लेकिन हादसों की आशंकाओं को देखते हुए बचाव के जरूरी उपकरण न सिर्फ इन केबल कार्स में उपलब्ध रहते हैं, बल्कि रेस्क्यू टीमें भी ऐसे किसी भी हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।